हेलो फ्रेंड्स, अक्सर महिलाओं को अपनी बॉडी से, अपनी सुंदरता से, बालों से, होठों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पूरी बॉडी को पूरे जीवन तक मेंटेन करना चाहती हैं। लेकिन प्रेगनेंसी एक महिला की जिंदगी में या फिर एक महिला की लाइफ में एक ऐसा फेज होता है जिसके अंदर उसे थोड़े बहुत नियम कानून पालन करने पड़ते हैं, जैसे कि वो बार बार हेयर डाई नहीं करवा सकती हैं, बार बार हेयर कलर नहीं करवा सकती हैं, कोई ऐसे कॉस्मेटिक का यूज नहीं कर सकती हैं जो उन्हें तो सबसे ज्यादा प्यारा हो लेकिन उसके अंदर केमिकल की मात्रा सबसे ज्यादा हो। इसीलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और वैक्सिंग करना चाहती हैं तो आप कैसे कर सकती हैं, आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो से। टिप नंबर वन, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और वैक्सिंग करवाना चाहती हैं तो आपको ये बात को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि जब भी आप प्रेग्नेंट होती हैं तो हमारी पूरी बॉडी की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इसीलिए अगर आप वैक्सिंग करना चाहती हैं तो जो भी पैकेट आप ला रही हैं उसके ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। टिप नंबर टू, अगर वैक्सीन करने के दौरान आपकी बॉडी के किसी भी अंग में कोई और ज्यादा खुजली, जलन या फिर कोई और साइड इफेक्ट दिखाई दे तो तुरंत वैक्सीन करना बंद कर दे। बिल्कुल भी इसे कंटिन्यू ना करें क्योंकि ऐसा करने से पूरी बॉडी में एलर्जी हो सकती है। टिप नंबर थ्री, वैक्सीन करने से पहले जिस भी अंग पर आप वैक्सीन करने वाले हैं वहां पर पाउडर अच्छे तरीके से लगाइए। ऐसा करने से वैक्सीन करने में आपको काफी आसानी होगी। टिप नंबर फोर, अगर आपने पहले भी वैक्सीन करवाई है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब भी वैक्स की स्ट्रिप्स को निकाला या फिर खींचा जाता है तो उसकी वजह से आपकी स्किन पर हल्के फुल्के रैश आते ही आते हैं। इसीलिए जब भी आपको वैक्स की स्ट्रिप्स को खींचना हो तो अपनी स्किन को अच्छे तरीके से टाइट करके पकड़ लीजिए। ऐसा करने से स्किन पर रैश नहीं होंगे और निशान भी नहीं पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, ये है कुछ आसान से वैक्सिंग टिप्स प्रेगनेंसी के दौरान। इस वीडियो को जरूर देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।